सो गाइज नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाउ टू एडिट एंड डिलीट स्ट्रिंग्स इन पाइथन. ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, फिर से सेम स्ट्रिंग ले रहे हैं हम लोग हेलो बोल के, दिस इज द स्ट्रिंग. और मुझे क्या करना है, मुझे इसका पहला कैरेक्टर चेंज करना है, एच के बदले मुझे एक्स डालना है. सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सी का जीरो इज इक्वल टू एक्स. नाउ यू हैव टू थिंक, वीडियो पॉज करके, कि ये ऑपरेशन होगा या नहीं होगा. मैं रन करके दिखाता हूं. दिस इज द आउटपुट एंड द आउटपुट सेज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. आइटम असाइनमेंट को आप एडिटिंग बोल सकते हो. इन शॉर्ट एरर ये है कि आपको पाइथन बोल रहा है कि आप स्ट्रिंग्स को एडिट नहीं कर सकते. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा याद रखना गाइज, जब भी आप पाइथन में स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हो, यू हैव टू रिमेंबर दैट स्ट्रिंग्स आर अ म्यूटेबल, आई एम सॉरी, इम्यूटेबल डेटा टाइप. इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल इज ऑपोजिट ऑफ म्यूटेबल, और म्यूटेबल आता है म्यूटेशन से, और म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज. सो आप म्यूटेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. पाइथन में अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना लिया, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अब म्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर टाइप के डेटा टाइप में यूज होता है. तो मैंने सोचा है मैं फ्यूचर में कुछ वीडियोस के बाद म्यूटेबिलिटी के ऊपर एक पूरा वीडियो शूट करूंगा. बट इस पॉइंट पे मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है कि पाइथन में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल, मतलब एक बार बन जाने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, क्या आप रीअसाइन कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूं, मैं सी में हेलो को हटा के वर्ल्ड स्टोर कर रहा हूं और अब प्रिंट कर रहा हूं सी. ये चीज हो जाएगी, आप कंप्लीटली रीअसाइन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग. ठीक है, तो एडिटिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एडिटिंग होता ही नहीं है स्ट्रिंग्स में. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. गोइंग बाय द सेम लॉजिक, आप कुछ नया एड भी नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आप सी इक्वल टू मतलब इस पॉइंट पे अगर आपके पास सी में वर्ल्ड है, आई गेस, या सी में वर्ल्ड है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सी के दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 और आप 5 में जा करके इस तरीके से कुछ और डाल दो, ये भी काम नहीं करेगा. ठीक है, तो यू कैन नॉट ऑल्सो एड कैरेक्टर्स. आप ना एडिट कर सकते हो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को, ना ही आप नए कैरेक्टर्स को एड कर सकते हो. दोनों ही चीजें काम नहीं करती. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन. डिलीशन का क्या सीन है वो देखते हैं. सो डिलीशन के लिए हमारे पास डेल कीवर्ड होता है, और अगर आप डेल कीवर्ड के आगे स्ट्रिंग का नाम लिख दो और रन कर दो इस कोड को, अब आप अगर प्रिंट करो सी को, तो आपको नहीं मिलेगा वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्योंकि वो डिलीट हो चुका है. ठीक है, एक्चुअली ये डिलीशन हो नहीं रहा है स्ट्रिंग का. मैं आपको म्यूटेबिलिटी वाले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ बिहाइंड द सीन्स ये डिलीशन कैसे होता है, बट इस पॉइंट पे आप रफली समझ सकते हो कि हमने स्ट्रिंग को ही डिलीट कर दिया. ठीक है, अब एक क्विक क्वेश्चन आपसे. लेट्स से फिर से मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और ये रहा मेरा स्ट्रिंग. यू हैव टू टेल, अगर मैं ये लिखूं तो क्या होगा. मैं बोल रहा हूं डिलीट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सी, सी एज इन मेरा स्ट्रिंग. ठीक है, अब एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि इस ऑपरेशन के बाद आउटपुट क्या आएगा. आउटपुट ये आएगा कि आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट नहीं कर सकते अपने स्ट्रिंग के अंदर से, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट करोगे स्ट्रिंग के अंदर से, तो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंजेस आ जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. ठीक है, जल्दी से सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा. What will be the answer? I hope आप समझ चुके हो, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा. ये भी ऑपरेशन काम नहीं करेगा बिकॉज अगर आप पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को डिलीट करोगे तो अगेन स्ट्रिंग में ही तो चेंजेस होंगे, और स्ट्रिंग में चेंजेस आर नॉट अलाउड बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपसे बोला जाए तो आप स्ट्रिंग्स को एडिट नहीं कर सकते, उसमें नए कैरेक्टर्स को एड नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हो, पूरा डिलीट कर सकते हो, पार्शियली डिलीट नहीं कर सकते. इस पूरे वीडियो का समरी बस इतना ही है. ठीक है, आई होप ये पूरी चीज आपको समझ में आ रही है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रिंग ऑपरेशंस.